हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एक BSNL का न्यू रिटेलर हैं या फिर आप एक BSNL का ऑल रिटेलर हैं और आपने जो है BSNL का संचार आधार ऐप से आपने BSNL का न्यू सिम चालू किया था या फिर किसी भी अदर ऑपरेटर से आपने MNP किया था और उस नंबर पर उसका जो है टावर शो नहीं कर रहा है, तो कैसे जो है आप उनका डिटेल्स को चेक कर पाएंगे कि उनका जो है सिम आपने जो चालू किया था उनका सिम चालू हुआ है या फिर उनका डॉक्यूमेंट फेल्ड हुआ है, कैसे जो है आप उसे चेक कर पाएंगे वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लाइव प्रूफ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही साथ नॉलेजफुल और हेल्पफुल भी होने वाला है। तो वीडियो पे बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल को बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य में जो वीडियो टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख के लाभ ले पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये कमाल का वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले जो है आपको संचार आधार एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप अपना संचार आधार एप्लीकेशन को आप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका जो है संचार आधार एप्लीकेशन ओपन होकर आता है। जैसे ही आपको इस तरह से आपके सामने ओपन होकर आता है आपका संचार आधार ऐप, तो आपको इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हो तो आपको बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपने जो नंबर को चालू किया है या फिर MNP किया है वो नंबर का डिटेल्स को आपको जानने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है अपलोड CAFS यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको CAFS के ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही आप इस जगह पे टैप करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च बाई मोबाइल नंबर नाउ नंबर, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे वो नंबर को डाल के उसका डिटेल देख सकते हो। नहीं तो आप जो नंबर आपने चालू किया है वो नंबर का डिटेल आपको यहाँ पे नीचे भी शो हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेट यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है और यहाँ पे FRC शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेट टाइम सारा शो हो रहा है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे आपको एक्टिवेट जो है आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वो स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे FRC कंप्लीट है वो यहाँ पे डिटेल भी शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे FRC का साइनिंग आ चुका है। तो आप जो है इस जगह से जो भी डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट अगर चालू हो जाता है सक्सेसफुली हो जाता है और उसका जो है अगर FRC नहीं होता तो यहाँ पे रेड आपको साइनिंग आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिम का जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि टेली वेरिफिकेशन, उनका FRC और वो सिम का सारा बायोडाटा यहाँ पे आपको डिटेल में शो हो जाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है उसका अगर आपको डिटेल्स चाहिए, अगर यहाँ पे डिटेल्स नहीं मिलता है तो उसका डिटेल्स आपको लेने के लिए आपको इसे ऊपर की ओर हल्का स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्ट CAFS का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको इस जगह पे टैप करना है। जैसे ही आप इस जगह पे टैप करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा कोई भी ऐसा रिजेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमारा यहाँ पे शो हो। अगर रिजेक्ट आपका होता है डॉक्यूमेंट तो आपको कुछ इस प्रकार से, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो अगर उसका डिटेल नहीं शो होता है तो आप यहाँ पे नंबर को सर्च करके भी आप यहाँ से सारा चीज़ देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे डेट, मोबाइल नंबर और स्टेटस, उसका डिटेल सारा कुछ आप इस प्रकार से जो भी सिम आपने चालू किया है या फिर MNP किया है उसका सारा डिटेल को आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि उनका जो सिम है चालू हुआ है उसका FRC हुआ है या नहीं, उसका रिजेक्ट क्यों हुआ है, किस रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो को कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।